एक्चुअली ये नहीं चाहती थी कि नीति का संगीत पूरा, ये चाहती थी अधूरा ही रह जाए, इसलिए इसने मुझे नीति को किडनैप करने के लिए बोला। सच कह रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, ये कुछ भी बोल देगा, किसी का भी नाम ले लेगा। बोल दिया ना इसने झूठ, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताओ, क्या तुमने सच में मुझे किडनैप करने के लिए कहा था? पर क्यों? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब उस दलजीत की चाल है। वो जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि हम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा हो। बदला लेना चाहता है वो हमसे, और तुम उसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो कितना फ्रॉड है, कितना झूठा है वो। हाँ माना कि वो झूठा है, लेकिन मैंने तुम्हें फोन किया था पार्वती। मुझे आइडिया था कि दलजीत ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, और तुम्हें घर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। पर मैंने घर पे नॉर्मल बिहेव किया ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो, और चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। किसी को कुछ भी नहीं पता चला और सब कुछ नॉर्मली होता रहा, और यहाँ तुम्हें दलजीत से बचाने के लिए मैं अकेले सब कोशिश करती रही। झूठ मत बोलो। अगर तुमने पुलिस को बुलाया होता तो पुलिस को इतना टाइम क्यों लगा आने में? पुलिस को तुमने नहीं, देखो समझ में नहीं आ रहा कि भाई परी है पार्वती और यहाँ पर दोबारा से कंफ्यूज हो गई, और अभी तो वो दिलजीत को भी गुस्सा कर रही है, उसको चाकू वगैरह दिखा देती है, उसके हाथ में चाकू से मार भी देती है और बोलती है कि खबरदार अगर तुमने भाई पार्वती को परी बोला, और तुम्हें पता है वो पार्वती है परी नहीं है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर दिलजीत भाई गुस्सा हो जाता है और वो कह देता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना परी को अभी किडनैप करता हूँ और उसी के मुँह से सुनता हूँ कि वो परी है पार्वती, और तुम देखना अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो परी है तो तुम मुझे ना खूब सारा पैसा दोगी और मुझे अपने ऑफिस में नौकरी भी दोगी। और इस से भाई नीति राजी तो हो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वाकई में वो किडनैप कर लेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दिलजीत ने परी को किडनैप कर लिया है, यहाँ पर राजीव को भी बेहोश कर दिया है, क्योंकि भाई राजीव बीच में आ रहा था, उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर दिलजीत कुछ करने वाला है, तो इस बात को लेकर यहाँ पर उसको तो बेहोश कर दिया है, लेकिन वो परी को ले जाएगा गोडाउन और वहां पर भाई करने वाला है उसके संग टॉर्चर, और उससे पूछेगा कि भाई अब तुम बताओ तुम परी हो या पार्वती हो। हमने देखा ही था ना भाई किस तरीके से राजीव ने भी अंबिका को इसी तरीके से बोला था कि आप भाई झूठ बोल रही हो मेरे से, और ये ना आपकी कोई बेटी वगैरह नहीं है, आपको ये मिली है उसके बाद आपने इसको पाला है, लेकिन इसकी असली माँ तो कोई और है और ये मेरी परी है। और यहाँ पर अंबिका को कहीं ना कहीं थोड़ा शक हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं राजीव के संग, क्योंकि जब से मैंने राजीव को देखा है, जब से मैं मिली हूँ राजीव से, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई अपनी परी से बहुत प्यार करता था, अभी भी बहुत प्यार करता है, और यहाँ पर जिस तरीके से वो पार्वती के संग बिहेव करता है तो भाई ऐसे ही लग रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इसी बात को लेकर ना वो परी को बोलती है कि परी तुम मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन तुम्हें इन लोगों ने धक्का दिया था, और यहाँ पर राजीव ने क्या कुछ किया था। तो यहाँ पर भाई परी सब कुछ बताने वाली है और देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है भाई निष्कर्ष, क्या सच में पता लगेगा कि भाई बेकसूर है राजीव या फिर उसने कुछ किया है।